आप मेरी क्या लिखा आ रहा है जी, वो जिस नंबर कढ़ाई नहीं गई पर्ची चल गई, सरनाम होगा आरसी है की आरसी मेरे पास पड़ी है, हाँ नंबर दूसरा चढ़ाई वापसी है। इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, जहां एक 51 वर्षीय व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है ट्रॉली के नीचे, बताया जा रहा है वो आ गए हैं और लालूपुर गांव के रहने वाले हैं, चार बेटियों के पिता थे, उनके भाई फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है? सुभाष। क्या उम्र क्या थी उनकी? 45-40। क्या करते थे? वह खेती बाड़ी। कैसे हुई डेथ? तो अभी तो मेरे को खुद ही नहीं पता, जैसे बता रहे मील में होया काम, ये शुगर मिल में। हाँ, कैसे क्या क्या बताया? तो हम आपको बता दें कि मेरे को तो इतना ही पता लगा था कि भाई तेरे भाई का चोट लगी शुगर मिल में ट्रैक्टर के साथ। अच्छा। अभी मैं तो यहाँ आया, मेरे को तो अभी पता लगा नहीं ऐसे ऐसे। घर में तो चार लड़की है, एक लड़का है बस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चार लड़कियां हैं और एक लड़का है घर में, और क्या कुछ पूरा मामला है। पुलिस भी जो है मौके पर फिलहाल पहुंची हुई है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गांव के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हुई है ये डेथ? मतलब बता रहे हैं कि ट्रॉली के नीचे आ गए थे कल शाम के टाइम 8 बजे के आसपास, गन्ना लेकर आए थे जी मील में। सुबह ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई जिनके, तो उन्होंने दूसरे ट्रैक्टर से कहा, गाँव के ट्रैक्टर से ही, भाई मड़ा सारा लगा दिया, तो इसने ट्रैक्टर बैक करने में उसने, तो ये बीच में आ गया ट्रैक्टर के दोनों के बीच में। अच्छा। तो आपस में मतलब भिड़ गया, भिड़ने के कारण इसकी मौत वहीं पे होगी मौके पे। तो क्या लगता है दूसरे ट्रैक्टर वाले की गलती थी, वो सिर्फ मदद करना चाहता था जी, उसकी क्यों गलती होती जी? नहीं जी नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है जी इसमें। तो आप क्या चाहते हैं? बस क्या चाहते हैं, सरकार से यही कहना चाहते हैं भाई, जो आपकी कोई पॉलिसी हो उससे इस गरीब आदमी की मदद हो जी, और आप भी इसकी कुछ मदद करो, क्योंकि चार लड़की है जी इस पर और एक लड़का, बिल्कुल मजदूर आदमी है ये, ट्रैक्टर पे भी ये ड्राइवरी का ही काम करता था, ट्रैक्टर तो इसके भाई का था जी, उससे कोई थोड़ी बहुत कोई मदद हो सके जी इसकी। मान लो एक लड़की की इसने शादी 2 साल पहले की थी जी, 3 लड़की है जी इस पे, एक लड़का है जी, और बिल्कुल गरीब आदमी, अकेला ही था सुबह लालूपुरा ट्रॉली पे। हाँ जी हाँ जी, अकेला ही था जी। तो अकेला ही टोचन कर रहा था? हाँ जी। तो कोई हेल्प दूसरे के बंदे, जिसको हेल्प के लिए कहा इसने, उसने ट्रैक्टर बैक कर रहा था, ये बीच में आ गया जी उसके जी। अच्छा, वो ट्रैक्टर बैक कर रहा था? हाँ जी हाँ जी। और उसी के ट्रैक्टर के नीचे आया या ट्रॉली के नीचे? दोनों के बीच में जी, ट्रैक्टर के बम्पर में और ट्रॉली के बीच में जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टोचन कर जब उनका ट्रैक्टर खराब हुआ, टोचन कर किसी से मदद लेकर वो आ रहे थे, और दोनों ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में जो है गिर जाते हैं, जिसके बाद मौके पर ही बताया जा रहा है उनकी डेथ हो जाती है। चार बेटियां हैं, फिलहाल उनके शव को जो है करनाल के शव गृह में लेकर आया गया है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर कर दें। फिलहाल जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची हुई है, बयान जो है वो लिखवाए जा रहे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ एक सरकार से? रात 7-8 बजे के करीब है ना, गन्ना लेके आते ट्रैक्टर ट्रॉली शुगर मिल में, तो सवेरे इसका नंबर पड़ा, तो इन्हें ट्रैक्टर स्टार्ट किया, तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो इन्हें आगे जो इसके आगे वाला था इसको बोले भी ट्रैक्टर स्टार्ट करवा दे, तो टोचन करवा रहा था पीछे से, यानी कि अपने ट्रैक्टर में और ट्रॉली में, उसकी ट्रॉली में, तो टोचन करवा रहा था, तो जैसे उनके टोचन होया नहीं तो उन दोनों के बीच में आ गया ट्रैक्टर। मौके पर ही डेथ हो गई थी? बस थोड़ा बहुत वो था, लते लते रास्ते में डेथ। हाँ, रास्ते में। और घर में कौन कौन है? घर में 4 लड़कियां हैं और एक सबसे छोटा लड़का है। करते क्या थे ये? भाई खेती बाड़ी थी और तो कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और परिवार के लोगों से बातचीत करते नजर आ रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि शुगर मिल से जो है सुभाष नाम के जो व्यक्ति हैं, जिनकी 51 साल उम्र बताई जा रही है, लालूपुरा गाँव के रहने वाले हैं, वो जो है शुगर मिल से आ रहे थे। एक बार बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं जो आईओ हैं केस के। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, अभी आपने परिवार के लोगों से बातचीत की है, क्या अभी आपको इन्फॉर्मेशन हुआ क्या भाई? अभी हम पहुंचे हैं, अभी स्टेटमेंट लेंगे, उस पर बताएं क्या बात है। क्या ये सुभाष गन्ना लेके आया था शुगर मिल भाई? अभी हम पहुंचे हैं मौके पे, आप पहले आ रहे, हम तो अभी आए हैं, अभी स्टेटमेंट लगवाएंगे, फिर उस जो कार्रवाई वो कर देंगे। कौन से थाने से हैं सर? वैसे बती जेती से जी।
3233 थाने का जो है फिलहाल ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है, परिवार के लोगों से जो है बातचीत की जा रही है और स्टेटमेंट परिवार के लोगों की जो है लिखी जा रही है। एक बार बातचीत करने की कोशिश भी कर लेते हैं। सर, सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? आपका भाई था सगन। अभी तो कोई अपील नहीं है जी, हम तो यही कहें भाई वो उसका सारा लग सका लगाओ बस, और कुछ नहीं। घर में कमाने वाले वो अकेले थे? अकेले थे। आप क्या लगते हो उनके? भाई जी। भाई लगते हो? हाँ जी। और बेटियों की शादी हो गई है उनकी? एक लड़की की शादी हुई है, 3 अनमैरिड है। अनमैरिड है। हाँ जी। तो चाहते हो सरकार को अपील करना चाहते हो किसी मदद की? हाँ जी, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि उन लड़कियों का कोई सहारा हो, सरकार से कोई मदद मिल जाए। करते क्या थे सुभाष? बस यही खेती जी। खेती करते थे? हाँ जी। उन्हीं के उस पैसों से घर चलता? उनसे ही घर चलता था, इस भाई का भी उनसे ही चलता था। तो आप देख सकते हैं छोटे भाई हैं और इनका घर का खर्चा भी सुभाष ही किया करते थे और इकलौते वो मेंबर थे जो घर में कमाया करते थे। 4 बेटियां हैं और अभी फिलहाल काफी ज्यादा सदमे में है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे, लाइक। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, जहाँ एक बड़ा ही दुखद मामला सामने आया है। तो आप लोगों को ये चीज जरूर देखनी चाहिए, कभी भी ट्रैक्टर खराब हो जाता है इस तरीके से, जैसे वो अकेले ही जो है टोचन कर ले जा रहे थे और किस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में जो है गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की कोई भी चीज हो तो प्रोफेशनली जो है किसी की मदद जरूर ले लेनी चाहिए। खुद से इस तरीके से टोचन करना कहीं ना कहीं अब उन्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल की कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस के बाहर से, सहयोगी विनीत के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल। 8-10 मौतें हो गई किसानों की और सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब फंड नहीं है, प्राइवेट फंड हो या कुछ भी हो, जिससे जिम्मेदार की मदद होगा। कोई भी मतलब इतने बड़े परिवार से तो होंगे नहीं, एक एक दो दो किले वाले जिम्मेदार हैं, ठेके पर लेकर करना पवा। तो पहले जो उनका कोई मदद नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई किसी की भी जी। तो आप क्या गुहार लगा? हमारी यही है जी, मतलब सरकार की तरफ था जो शुगर मिल के अंदर बढ़ने के बाद कोई ऐसा हादसा हुआ, कम से कम 10 लाख 15 लाख कुछ तो मतलब जिम्मेदार के नाम होना चाहिए जी, उसका कोई तो वाल निवारण होना चाहिए ऐसे हादसे में। तो इसमें जो अगर शुगर मिल की क्या गलती, एक, कोई गलती एक, है एक छोटी सी मेरे पास में एक मतलब चीता गवर्नमेंट बाहर से मंगा रही है, उसमें करोड़ों रुपये खर्च करी, अरे एक किसान की इतनी बेकदरी है कि उसके मतलब अपने ठिकाने पर आने के बाद भी उसकी मतलब कोई मदद नहीं है, क्या जिम्मेदारी इतना गिरा है? आप क्या लगते हैं उनकी जिनकी रहती है क्या इसका मतलब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, किसकी कमी है जी, प्रशासन की है सरकार की कमी है ना, तो ये पूरी क्यों कर। सुभाष जी के क्या लगते हैं सर आप? मैं तो गांव से हूँ सुभाष के। तो आप देख सकते हैं इस डेथ के बाद कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि शुगर मिल में अक्सर इस तरीके के हादसे होते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों की जमींदारों की कोई भी मदद जो है वो नहीं की जाती है। और इसी तरीके से सरकार से जो है गांव के लोग अपील करते नजर आए कि सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और मदद जरूर करनी चाहिए।